हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना एंड वेलकम टू माय चैनल सेल्स स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप फेस्टिव सीजन्स में जो अभी आने वाला है तो आप अपनी बांधनी साड़ीज़ किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं और कैसे स्मार्ट लग सकते हैं। ये सारी साड़ीज़ का हॉल वीडियो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैंने करवा चौथ लुक डाला है और दिवाली और भाई दूज। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ और देखते रहिए स्टाइल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और लाइक का बटन दबा दें अगर आपको कोई भी स्टाइल पसंद आए तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड्स, मैंने अपनी रेड कलर की बांधनी साड़ी जो डबल उसमें है, टोन में हाफ एंड हाफ साड़ी बोलते हैं इसको, इसे मैंने स्टाइल किया है। एक मस्टर्ड कलर के ही रेडीमेड ब्लाउज़ लिया था ये मैंने और इसके साथ मैंने पेयर अप किया है। मस्टर्ड कलर बहुत अच्छा लग रहा है ये रेड और येलो कलर की साड़ी के साथ। ये येलो कलर है बट ऑरेंज दिख रहा है इसमें। इसे मैंने अच्छे से स्टाइल किया है और बन बना लिया है। कानों में ब्यूटीफुल से झुमकीज पहनी है येलो कलर की ही और रेड कलर की एक स्टेटमेंट रिंग पहनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा चूड़ियों के फ़ैन हैं तो आप आराम से बहुत सारी चूड़ियाँ पहन सकते हैं क्योंकि ये करवा चौथ लुक है। गले को मैंने सिंपल रखा है क्योंकि मैं पूरा टेंशन अपनी साड़ी पे देना चाहती थी और ब्लाउज़ पे, तो इसीलिए मैंने सिंपल ज्वेलरी कैरी की है। ये पूरा लुक पूरा का पूरा लुक मेरे लिए ही है, ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने लिए ही इसे स्टाइल किया है क्योंकि बहुत मिनिमम है इसमें एक्सेसरीज़ और फिर भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने करवा चौथ पे कुछ नया कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं। न्यूड लिपस्टिक लगाई है, हल्की हल्की आई शेडो एक बिंदी के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है। मैचिंग झुमकीज पहनी है ताकि पूरे लुक के साथ कोऑर्डिनेटेड लगे पूरा लुक और बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट करे। तो ये था फर्स्ट लुक करवा चौथ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने अपनी बाटीक प्रिंटेड साड़ी, ये भी मैंने आपको दिखाई थी अपने हॉल वीडियो में, इससे मैंने दिवाली लुक क्रिएट किया है। इसका जो ब्लाउज पीस था वो भी ग्रीन कलर का ही था और बहुत बिल्कुल सिंपल था, वो प्लेन था बिल्कुल। तो मैंने इसे अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक मेरे पास ही, आपने पहले भी देखा होगा कई वीडियो में मैंने पहना था ये एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज ग्रीन कलर का, तो ये मैंने पेयर अप किया इस साड़ी के साथ। बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा है। सिंस दिस साड़ी इज़ वेरी प्लेन एंड बेसिक, तो ये बहुत अच्छे से जा रहा है उसके वाइब के साथ। प्लेन के साथ आप एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज पहन सकते हैं। मैंने पर्ल चोकर और एक पर्ल कड़े के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है। सिंस मैंने इसमें चोकर पहना था तो मैंने कानों में छोटे छोटे स्टड्स पहने हैं और इस तरह से पूरा लुक कंप्लीट किया है। ये देखिए ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह से आप दिवाली पे अगर आप ड्रेसअप होते हैं तो दिवाली की पार्टी जो है उसमें आप बिल्कुल स्टैंड अलोन करेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने फिर से हाफ एंड हाफ साड़ी ली है। ये साड़ी गिफ्टेड है, मेरी मम्मा ने मुझे दी थी। इसे मैंने एक पेपलम टॉप के साथ स्टाइल किया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारे से वे में स्टाइल कर किया है इसे। इसे मैंने पल्ला थोड़ा लंबा रखा है और साइडों पे से जैसे काउल शेप आता है तो वैसा मैंने रखा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से है कुछ पल्ला। बटरफ्लाई स्लीव्स जिसे बोलते हैं, फुल फ्लेयर्ड स्लीव्स हैं और पल्लू बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा करके और साइड में अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद मैंने सिल्वर ज्वेलरी के साथ इसे पेयर किया है, हैवी नेकलेस है। ये देखिए पल्लू की जो सेटिंग की है वो इस तरह से है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा सा पल्लू छोड़ लेना है हमने साइड में, उसको फिर एडजस्ट करते हुए आप पिन लगा लीजिए अपनी कंफर्ट के हिसाब से और फिर आप आराम से एक पिन लगा के इसे सेट कर लीजिए। इसमें पल्लू थोड़ा बड़ा रहता है, लंबा रहता है। इसके बाद मैंने सिल्वर ज्वेलरी के साथ पूरा लुक कंप्लीट किया है क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी के बिना और मेरा कोई साड़ी लुक कंप्लीट हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और स्टाइलिश लुक आया है। आपको इन तीनों में से कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा? मुझे तो सारे ही बहुत पसंद आए। आपको जो भी अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए स्टाइल स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फिर कुछ नया कुछ अच्छा सा लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक